तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 करेंगे हम। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमने कर लिया था, तो तीसरा पार्ट है जी इसका अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 20 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ हम। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख लिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स किस किस के हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 12 के फैक्टर्स बना लेंगे और 20 के फैक्टर्स बना लेंगे। देखते हैं जी, तो अंडर रूट 12 को हम लिख लेंगे फैक्टर्स की फॉर्म में, तो अंडर रूट 12 के फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 2 को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हम फैक्टर्स बनाएंगे 20 के, 20 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 एज इट इज लिख लेंगे इसको भी। तो यहाँ पे देखें अंडर रूट 4 है और अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 जो है सॉल्व हो जाएगा। अंडर रूट 4 होता है 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 4 यानी कि अंडर रूट से बाहर आ गया 2 बन गया इंटू 3 वैसे ही लिखा रहेगा रूट के नीचे माइनस अंडर रूट 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम इसी तरह होगा। अंडर रूट 4 है तो ये बाहर निकल आएगा 2 आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2। तो मल्टीप्लीकेशन किस तरह होगी देखते हैं। सबसे पहले हम 2 इंटू अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू अंडर रूट 5 से, और फिर माइनस उसके बाद हम 2 इंटू अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू अंडर रूट 2 को। इसी तरह नेक्स्ट हम अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। तो देखते हैं जी मल्टीप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले हम 2 इंटू अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू अंडर रूट 5 के साथ, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 इस तरह लिख देंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। उसके बाद माइनस है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 3 ज़र 6 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 ठीक हो गया जी। इसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब अंडर रूट 2 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। उसके बाद माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और अब अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू अंडर रूट 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो अब देखते हैं जी हमारे पास क्या सिचुएशन है। अब ये देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई माइनस, ये चीज़ आ गई माइनस, ये चीज़ आ गई प्लस, ये चीज़ आ गई, ये 4 सेगमेंट्स हमारे पास बन गए हैं। माइनस है बीच में और प्लस है,
लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम किस तरह लिखेंगे जी? अंडर रूट थ्री और अंडर रूट फाइव को हम एक रूट के अंडर लिख लेंगे। फोर इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव, इसी तरह सबके साथ हम करेंगे। माइनस सिक्स इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाई टू अंडर रूट, माइनस टू इंटू टू मल्टीप्लाई बाई फाइव अंडर रूट, प्लस थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई बाई टू अंडर रूट। ठीक जी, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोर इंटू थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन, माइनस सिक्स इंटू थ्री टू ज़ार सिक्स, माइनस टू इंटू टू फाइव ज़ार टेन, प्लस थ्री इंटू टू टू ज़ार फोर। तो ये आ गया हमारे पास फोर इंटू अंडर रूट फिफ्टीन, माइनस सिक्स इंटू अंडर रूट सिक्स, माइनस टू इंटू अंडर रूट टेन, प्लस थ्री इंटू अंडर रूट फोर सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा टू। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इसका लिख देंगे, फोर इंटू अंडर रूट फिफ्टीन, माइनस सिक्स इंटू अंडर रूट सिक्स, माइनस टू इंटू अंडर रूट टेन, प्लस थ्री टू ज़ार सिक्स। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। Thank you.